चार फतेह अली खान को तो आप सब जानते हैं। चार फतेह अली खान के साथ शेखपुरा में ऐसा क्या वाकया पेश आया जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को निदामत से शर्मिंदा होना पड़ा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डिजिटल अलाइंस। डिजिटल अलाइंस देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। चार फतेह अली खान को तो आप सब जानते हैं, सलाम अलैकुम, जिनका ना कोई सुर है और ना कोई अंदाज है गाना गाने का, मगर उनका अंदाज सिर्फ एक है, मजाया अंदाज। मजाया अंदाज से वो सुर किसी भी सुर को पकड़े बगैर किसी भी तरीके से गाना गा देते हैं और इस तरह फनी तरीके से गाना गाते हैं कि सुनने वाले देखने वाले उनके गाना के सुनने के बाद हंस हंस के पागल हो जाते हैं और उनके दीवाने हो जाते हैं। कहते हैं यार इस बंदे ने हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, इस बंदे ने हमें खुश कर दिया, हम टेंशन में बैठे थे इसने हमें हंसा दिया। मगर जहाँ पे एक शख्स आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है उसी बंदे को पब्लिक में लाया जाए, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए तो क्या होगा। जी मैं बात कर रहा हूँ शेखपुरा के वाकये के बारे में। चार फतेह अली खान एक प्रोग्राम के सिलसिले में शेखपुरा गए थे, मगर प्रोग्राम जाते साथ ही बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं हम कि शेखपुरा जाते साथ शेखपुरा के लोगों ने चार फतेह अली खान पर कर दिया अटैक। किसी ने उनके बाल खींचे, किसी ने उनके कपड़े खींचे, किसी ने उनको तंग करना शुरू किया। चार फतेह अली खान की बात की जाए तो ये इनके गानों का कोई सुर नहीं है, मगर इसी बेस पर इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होना पड़ा। बात की जाए अगर मॉर्निंग शोज के बारे में तो चार फतेह अली खान को बहुत से मॉर्निंग शोज में, बहुत से सैटरडे नाइट शोज में बुला के इंसल्ट किया गया, मगर फिर भी चार फतेह अली खान हर किसी को इग्नोर करते, हर किसी की बातों को ऊपर से ले जाते, कहते यार अगर कुछ कह रहे इसको कहने दो, मगर मैं लोगों को हंसाता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी नेकी है कि मैं हंसा के लोगों को उनकी टेंशन दूर कर देता हूँ। मगर जब बात हो जाए एंड पे आ जाए तो फिर ये बात हाथ से आगे निकल जाती है। जिस तरह शेखपुरा के लोगों ने चार फतेह अली खान के साथ सलूक किया, इस तरह चार फतेह अली खान अब दोबारा कभी शेखपुरा जाना पसंद भी नहीं करेंगे। जब इस मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारे लोग इस तरह करते क्यों हैं, क्या उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि पूरे पाकिस्तान में उनकी वीडियो जा रही होगी, पूरे दुनिया भर में वीडियोस देखी जा रही होगी, लोग क्या बातें करेंगे। जब हम किसी बाहर के ममालिक की कोई वीडियो देखते हैं या कुछ इस तरह का वाक्य हमारे सामने आता है तो हम उनको कितनी बातें करते हैं, हम इतना कुछ उनको सुनाते हैं, मगर जब हमारे पाकिस्तान में ऐसी हरकत की जाएंगी, ऐसी हरकतें की जाएगी, यहाँ की आवाम ऐसे करेगी हमारे स्टार्स के साथ, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे ममालिक पे। और साथ ही साथ मुझे इस चीज़ की भी समझ आ गई है कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे हीरोज़ जो हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जब बाहर जाते हैं दोबारा वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि बाहर उनको पूरी प्राइवेसी मिली होती है, वहाँ के लोग इस तरह उनके साथ करते नहीं है, यहाँ के लोग पागल हो जाते हैं एकदम से और एकदम से उन पर अटैक कर देते हैं। शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे हीरोज़ हमारे एक्टर्स जो है वो बाहर जाके वापस का रुख नहीं करते हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि एक शख्स अगर आपके हंसने की वजह बन रहा है तो उसको उसी तरह रहने दें, उसको जलील ना करें। अगर वो भी पब्लिक में आ रहा है तो शुक्र अदा करें क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार हो कि पब्लिक में आ रहा है, वरना वो भी तो एक्टर्स हैं जो एक जगह पर आने के लाखों में पैसे लेते हैं, करोड़ों में पैसे लेते हैं, फिर आते हैं, तब हमारी वाम ठीक है, जहाँ पैसा लगे उतने ठीक है, जितने फ्री दमान लगे उतने बाट दो फर्क है। बस ये हाल है हमारे पाकिस्तानी अवाम का। मैं आप सबको कहूँगा कि जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा ही होने दें, ना कि वो पब्लिक में आए तो उसको छील दें। इससे चार फतेह अली खान के साथ किया ये बहुत ही बुरी बात है, कहीं प्रोग्राम्स में ला के उनको जलील किया जा रहा है, कहीं पब्लिक में बुला के उनको जलील किया जा रहा है, मगर वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, मगर बर्दाश्त की एक हद होती है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा करें, और जो चार फतेह अली खान के साथ हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक बंदा अगर आपके हंसने की वजह बन रहा है तो वो आपको बहुत कुछ और भी दिखा सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेखपुरा के लोगों ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।